नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जिस पत्ते के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस पत्ते का नाम है पत्थर चिट्टा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे पत्थर चिट्टा के नाम से जानते हैं, कई जगहों पर तो इसे ब्रह्मपत्री के रूप में भी जानते हैं, पर्णपुट्ठी के नाम से भी जानते हैं, पाषाण भेद के रूप में भी लोग इसे पहचानते हैं। और अगर बात करें मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस में इसका नाम होता है ब्रायोफिलम पिनेटम। जी हाँ दोस्तों, पत्थर चिट्टा के पौधे में ऐसे औषधीय गुण विद्यमान होते हैं जिसके कारण यह बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ हमारे जीवन में आता है। दोस्तों, यह दो प्रकार से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, एक होता है आंतरिक रूप से और एक होता है बाहरी रूप से। तो सबसे पहले बात करें कि बाहरी रूप से ये किस किस प्रकार हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो बाहरी रूप से अगर इसका प्रयोग देखा जाए, तो अगर मान लीजिए कहीं आपके स्किन पर खून निकल रहा है और उस खून का रिसाव वहाँ पर हो रहा है, तो उस घाव को भरने के लिए इस पत्ते का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर के किसी अंग पर फोड़े, पुंसी और जलने की समस्या हो रही है, तो उन सभी समस्याओं को भी यह पत्ता आराम से समाप्त कर सकता है। तो यह तो हुई बाहरी रूप से किस प्रकार से यह पत्ता आपकी हेल्प करता है उसके बारे में। अब बात करते हैं आंतरिक रूप से यह कितना फ़ायदेमंद माना जाता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, आंतरिक रूप से ही इस पत्ते को सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। और इस पत्ते का सबसे ज़्यादा प्रयोग जिस चीज़ के लिए किया जाता है, वह पथरी और मूत्र संबंधित समस्याओं से राहत प्रदान करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पत्थर चिट्टा के और क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए अब जानते आगे। पहले इसके आंतरिक फायदे बताने से पहले इसके स्वरूप के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं, ये पत्ता आखिर किस प्रकार का होता है, क्या होता है। तो दोस्तों, पत्थर चिट्टा का पत्ता, अगर इसके टेस्ट की जहाँ तक बात करें, तो खाने में थोड़ा खट्टा और नमकीन सा होता है, और खाने में इसका टेस्ट लगभग स्वादिष्ट ही होता है। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर ये पत्ता इतना फायदेमंद होता है, तो इसको उगाने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, आप कहीं से भी पत्थर चिट्टा का केवल एक पत्ता आराम से लेकर आ जाएं, और फिर उस पत्ते को लेने के बाद आप किसी भी प्रकार की ज़मीन में उस पत्ते को अगर गाड़ देंगे, तो वहीं पर इसका पौधा अपने आप उग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सच है। इसका बस आपको एक पत्ता लाना है, उसके बाद ये आप कहीं भी अपने घर के अंदर भी प्लांट में उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो मेन फायदे हैं वो कायम हैं। तो दोस्तों, पथरी के लिए इसका सबसे विशेष फायदा माना जाता है पथरी को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों, पथरी की समस्या में इसको किसी औषधि से कम नहीं समझा जाता है, और पथरी से जितने भी पेशेंट परेशान है, वो इसका सेवन अवश्य करें, इससे पथरी की समस्या मूल रूप से समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है कि इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पत्थर चिट्टा के लगभग दो पत्ते तोड़ने हैं, उसके बाद उसे अच्छी तरीके से पानी से साफ कर लेना है, ताकि उसके पत्तों के ऊपर जो जमी धूल मिट्टी होती है वो साफ हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको सवेरे के समय, ये टाइमिंग का आप जरूर ध्यान दें दोस्तों, रात के समय आपको इस्तेमाल नहीं करना, आपको सुबह के समय हल्के गर्म गुनगुने पानी के साथ आपको इसका सेवन करना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो पथरी धीरे धीरे आपके अंदर, अगर पथरी की समस्या है, पथरी जमा हो गई है, तो वो धीरे धीरे टूट जाएगी और शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब बात रही इसके अलावा और क्या तरीका है जिस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं, तो इसका दूसरा तरीका भी है। आप चाहे तो इसके पत्तों को चबा चबा कर भी खा सकते हैं। अगर आप पानी के साथ इसका सेवन नहीं कर सकते, तो आप पत्तों को चबा चबा कर खा सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका है कि आप चाहे तो इसके पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों सूरतों में आप इसका कर सकते हैं उपयोग। अब इसके कुछ अन्य फायदों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, पत्थर चिट्टा के रस में आप सौंठ का चूर्ण मिलाकर इसका सेवन करें, इससे पेट में होने वाले दर्द से भी आपको आसानी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा पित्ताशय की पथरी में पत्थर चिट्टा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अजवाइन के 10 पत्ते और पत्थर चिट्टा के 10 पत्ते पीसकर
लगुदी बना लें। इसमें एक चम्मच गोखरू यह आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। इसको मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट लगातार 3 दिनों तक सेवन करते रहें। इसके बाद इसके सेवन से आपको अगर दस्त और उल्टी की समस्या होती है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसके सेवन से यह दस्त और उल्टी की समस्या को जड़ से समाप्त कर देगा। तो दोस्तों यह थी पत्थर चिट्टा की विशेष जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार यह पथरी का जड़ से सफाया कर देता है और पथरी के अलावा भी ये और किस किस रूपों में काम आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही रोज़ नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ रोज़ लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।